दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें रूट्स को कैसे लोकेट करते हैं, कोई उसमें नंबर एक दिया हुआ रहेगा, स्पेसिफिक नंबर, उससे छोटा, उससे बड़ा, इस तरह का कंडीशन दिया हुआ रहता है। जैसे इसमें बहुत सारा कंडीशन पढ़ेंगे, तो सबसे पहला कंडीशन जो आसान वाला है उसको पढ़ते हैं। इस तरह का ग्राफ आ रहा है या इस तरह का ग्राफ आ रहा है तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी इस ग्राफ के लिए। और इस ग्राफ में कह रहा है कि ये जो दो रूट्स है ये किसी स्पेसिफिक नंबर से, ये एक्स एक्सिस पर रूट्स होता है, ये किसी स्पेसिफिक नंबर जो एक्स नॉट दिया हुआ है, गिवेन है, उससे ये अल्फ़ा और बीटा बड़ा है। यानी यहाँ पे कह रहा है अल्फ़ा बीटा ग्रेटर देन एक्स नॉट, ये चीज़ हमको कह रहा है यहाँ पे। तो इसमें हमको क्या क्या कंडीशन लगा सकते हैं, किस आधार पे, ये सब कंडीशन पढ़ना है। इसमें हम लोकेशन ऑफ रूट्स को लोकेट कर दिए एक्स नॉट से बड़ा, लेकिन ये सारा जो कंडीशन दिया हुआ है इसको हम किस फॉर्म में, मैथमेटिक्स के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे जो हम क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन क्या लिखना होगा, यहाँ पे दो रूट हो रहा है, दो रूट होने का मतलब ये रियल रूट्स है, बोथ रूट आर ग्रेटर देन एक्स नॉट, तो इसमें दोनों रूट दिया हुआ है। अब ये रूट अल्फ़ा बीटा कोइंसाइड करेगा तो ऐसे टच करता हुआ भी तो भी तो एक्स नॉट से बड़ा होगा ना, तो यानी अल्फ़ा और बीटा बराबर भी हो सकता है, और अगर टच कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो अल्फ़ा बीटा बराबर नहीं, दो जगह कट करेगा तो भी एक्स नॉट से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे पहला कंडीशन क्या लिखना है, अगर इस तरह का सिचुएशन दिखे तो इसमें कंडीशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ वेरिएबल फॉर्म में दिया रहेगा तो इस तरह हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये सब कंडीशन याद रखना है, याद नहीं रखना है, सिर्फ ग्राफ अगर ड्रॉ कर लिए ना आप तो उसके बाद ये सब अपने आप निकल जाता है। तो इसमें याद रखना है हमेशा कि अगर इस तरह का ग्राफ है तो इस एक्स नोट पे, अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो एक्स नोट पे यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ में वैल्यू क्या होगा, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे जब हम लोग एक्स नोट पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स नोट का वैल्यू क्या आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है मतलब ग्रेटर देन जीरो, एक कंडीशन ये बोल सकते हैं। और दो रूट हो रहा है रियल रूट्स है और ये दोनों कोइंसाइड भी कर सकता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक कंडीशन ये बोल सकते हैं। और क्या, अल्फ़ा और बीटा के बीच में सिमेट्रिक पॉइंट पर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, यानी हम लोग क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसमें क्या आता है इस जगह पॉइंट एकदम मिडिल पॉइंट में, माइनस बी बाई टू है, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए तो माइनस बी बाई टू है, तो ये भी क्या होगा इस पॉइंट से ग्रेटर देन होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के राइट साइड है तो ये एक्स नोट से बड़ा होगा। तो इतना सा कंडीशन याद रखना है, ग्रेटर देन एक्स नोट। और इसमें जब इस तरह का ग्राफ दिया हुआ रहेगा ना तो इसका तो कंडीशन यूज ही नहीं होता है, जब भी यूज होता है बस लिख दिए चेक करने के लिए लिख दिए, लेकिन हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका यूज नहीं भी करेंगे तो आंसर वही आने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमको कह दिया है दो रूट्स है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ही होगा जैसा भी कंडीशन हो, तो ये नहीं भी अप्लाई करेंगे तो भी आंसर हम लोग का जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आ जाएगा इस दोनों से भी, लेकिन इसको भी याद रखना है, कभी कभी आंसर 90% में आ जाता है इस दोनों से आंसर, लेकिन 10% में कभी कभी इसका काम हो जाता है। ठीक है, अब उसी तरह एक ऐसा भी हमको कंडीशन दे सकता है क्या, जैसे हम लोग ऐसा बनाए तो ऐसा भी दे सकता है ना, तो यहाँ पे लिख देना होगा ए ग्रेटर देन जीरो इस तरह में। तो अगर ऐसा दे दे कि ए ग्रेटर देन है लेकिन एक्स नॉट इधर है और अल्फ़ा बीटा दो रूट्स है, अल्फ़ा लेस देन रूट है और बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा से है, तो इस तरह का अगर ग्राफ निकले तो इसमें हम लोग रूट्स को लोकेट कर दिए, क्या दोनों रूट्स एक्स नॉट से छोटा है तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो बोथ रूट्स आर लेस देन एक्स नॉट स्पेसिफिक, ये कुछ गिवेन दिया हुआ रहेगा हमको, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए ध्यान से, और उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे पहला कंडीशन हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे ये सब कंडीशन लगा रहे हैं जो हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, थ्योरी से घबराना नहीं है, बस लास्ट तक देखते रहिए तो इसमें आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा क्या चीज़ हो रहा है एक्स नॉट। और उसके बाद हम लोग कंडीशन क्या बोल सकते हैं, दोनों दो रूट यहाँ पे बन रहा है, दो रूट्स है यानी हम लोग क्या बोलेंगे डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो,
और हम लोग क्या बोलेंगे, इसके बीच में माइनस बी बाई टू ए आएगा, तो माइनस बी बाई टू ए क्या है, स्पेसिफिक नंबर्स जो दिया हुआ रहेगा उससे ये क्या है, छोटा है, तो बोलेंगे माइनस बी बाई टू ए लेस देन एक्स नॉट। इतना सा कंडीशन याद रखना है, ये ग्राफ अपने आप ड्रा हो जाएगा जब हम लोग का क्वेश्चन दिया रहेगा। जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो, ये इस वीडियो के जस्ट बाद हम इस पर चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले, जिसमें हम तीन बनाएंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो ये कंडीशन हो गया, इसमें भी यही, ये कंडीशन अप्लाई नहीं भी करेंगे तो जो हम लोग का क्वेश्चन मिलेगा, बस ये दोनों को अप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा उस क्वेश्चन में अभी जब करवाएंगे, ठीक। तो इस तरह का कंडीशन हो गया। और कंडीशन क्या हो सकता है, ये एक्स नोट क्या हो गया, यहाँ पे अल्फा बीटा से छोटा हो गया, यहाँ पे एक्स नोट क्या हो गया, अल्फा बीटा से बड़ा हो गया कोई फिक्स नंबर, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है क्या, एक्स नोट अल्फा और बीटा के बीच में लाई करें, तो अगर ये अल्फा बीटा के बीच में लाई करता है तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। अब ये अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है तो हमको पता नहीं है क्या माइनस वी बाई टू ए से छोटा होगा कि बड़ा होगा, हम कंफ्यूज है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स नॉट लेस देन बीटा लेस देन अल्फा, ये सब कंडीशन में नहीं आएगा, बस यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या, अगर ये अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था एक्स नॉट अल्फा और बीटा से बड़ा है, ठीक, सॉरी एक्स नॉट अल्फा बीटा से छोटा है, तो ये कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसके अनुसार हम ग्राफ ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ कंडीशन क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन जीरो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स नॉट जब वैल्यू डालेंगे तो ये निगेटिव आ रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब क्या, वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स नॉट पे नीचे आ रहा है ना, तो निगेटिव हो गया। और क्या, दो रूट बन रहा है, दो रूट हो रहा है, तो दो रूट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, डी, और अगर इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ पे डी इक्वल टू नहीं देना होगा, क्योंकि अगर इक्वल टू होगा तो कोइंसाइड हो जाएगा ना, तो पता नहीं है कोइंसाइड हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे डी दो रूट है, डिस्टिंक्ट है, इसी कारण डी ग्रेटर देन जीरो यहाँ पर देंगे इस दोनों कंडीशन से। फिर वही बात, इसका कोई अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसमें कह दिया है दो रूट है, इसका अप्लीकेशन होगा ही नहीं, बस इतना सा से मेरा आंसर आ जाएगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब ये इस तरह का क्वेश्चन हो गया, इस तरह का तीन बता दिए। अब जस्ट अपोजिट अगर ऐसा रहेगा ग्राफ तो उसमें भी हम उसी तरह कर देंगे, अगर जस्ट इसके जस्ट अगर ए लेस देन जीरो रहेगा, यहाँ ए ग्रेटर देन जीरो है तो ए लेस देन जीरो रहेगा तो ऐसे कर देंगे, फिर ए लेस देन जीरो फिर यहाँ पर भी ऐसे कर देंगे, और जस्ट लाइक वही कंडीशन से रिपीट होगा, बस इस पर ध्यान देना है, तो वे क्वेश्चन से हम रिलेट कर देंगे बस इतना सा। और उसके अलावा भी कंडीशन है कुछ, उस कंडीशन को बता देते हैं हम। जैसे अगर ऐसा दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, बस हम लोग मैं अपवर्ड पैराबोला के बारे में सारा चीज़ बता देते हैं, और उसके बाद डाउनवर्ड पैराबोला में जस्ट वही केस होगा, तो उसमें अपने से बना लीजिएगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो इसमें अपवर्ड पैराबोला में दिया हुआ है, ये एक्स वन वैल्यू है और यहाँ पे एक्स टू वैल्यू है, ये एक्स वन एक्स टू दिया हुआ है और कह रहा है अल्फ़ा बीटा इस दोनों के बीच में है, तो यहाँ से हम लोग कैसे क्या क्या कंडीशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का कंडीशन क्या क्या लिखना होगा, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ दिया हुआ है, उसी तरह ए लेस देन जीरो में भी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर इस तरह का ग्राफ से हम लोग को आसानी से देखने में लग रहा है, एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन जीरो, एक्स वन एक्स टू दिया हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, दो रूट है क्योंकि एक्स वन एक्स टू के बीच है, तो अल्फा बीटा कोइंसाइड भी कर सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर ये टच भी करेगा और यहाँ कट भी कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे दो रूट इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसी कारण डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर हम बोल रहे हैं इसका कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि रूट होगा ही होगा, इसका कंडीशन नहीं भी लगाएंगे, बस इस दोनों को लगाएंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में बताएंगे आपको। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पर जो इसका बीच का रूट्स होगा तो इसमें क्या होगा, माइनस बी बाय टू ए,
इस दोनों के बीच होगा ना, तो यहाँ यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक कंडीशन माइनस बी बाई टू ए लेस देन एक्स टू और ग्रेटर देन एक्स वन, ये तीन कंडीशन याद रखने हैं। बस ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद दिमाग में अपने आप कंडीशन आते हुए रहेगा, जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कराएंगे उसमें तुरंत आप समझ में आ जाएगा आपको। ये तीन कंडीशन हो गया मेरा, इसका नहीं भी यूज करेंगे तो आंसर अपने आप आएगा। और उसके बाद एक और कंडीशन है, अब इसमें दिया हुआ है क्या, कोई इंटरवल दिया हुआ है, जैसे इसमें x1 x2 दो इंटरवल दिया हुआ था, इसके बीच अल्फा बीटा लाइक कर रहा था, और उसी तरह दिया हुआ है जस्ट लाइक, अल्फा बीटा दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है इस इंटरवल में x1 x2 के इंटरवल में एक ही रूट आ रहा है, या अल्फा आएगा या बीटा आएगा, जस्ट लाइक हम यहाँ मान लिए अल्फा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा दिया हुआ है x1 x2 के बीच में आ रहा है, ठीक। तो इसमें हमेशा याद रखना है इस तरह के कंडीशन में दो रूट है, तो एक कंडीशन क्या होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो लिख दिए बस, इसका यूज कभी होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, f ऑफ x1 का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, एंड f ऑफ x2 का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन जीरो, क्योंकि इस वैल्यू पे क्या आएगा, नीचे, और इस वैल्यू पे ऊपर। लेकिन जब, यानी हम कह सकते हैं f ऑफ x1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा और f ऑफ x2 निगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू ग्राफ, तो जब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑलवेज निगेटिव क्वान्टिटी हमको मिलेगा। तो ये अलग अलग कंडीशन नहीं लगाना है, ये अलग अलग कंडीशन नहीं लगाना है, इसको एक साथ अप्लाई करना है, एक साथ अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो बस इतना सही कंडीशन है, जस्ट लाइक जैसे हम पांच कंडीशन बताए अपवर्ड पैराबोला के लिए, जस्ट लाइक इसका भी डाउनवर्ड पैराबोला के लिए जस्ट लाइक इसका कंडीशन होगा। अगले वीडियो में इस पर क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। Thank you for watching. If you like my video, then subscribe my channel.